गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए अरावली को एक बार फिर हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को कारगर बनाने वाली मुहिम का नाम है ग्रीन वॉल, जिसकी शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस मुहिम के तहत अरावली की पहाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे अरावली की पहाड़ियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी। अरावली का ये जो 26,000 एकड़ का क्षेत्र है, ये केवल ऐसा ना हो कि बबूल के पेड़ से लग जाए, इसमें औषधीय पौधे हो, इसमें इमारती लकड़ी के पौधे हो, इसमें सफारी हो, इसमें दुनिया इको टूरिज्म के लिए आए, उसके लिए हम इस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। और यहां से तो ये एरिया बढ़ेगा ही। दुनिया में जो प्रधानमंत्री जी ने अरावली के रेस्टोरेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए इस बार जो हमने अरावली का क्षेत्र किया है उसमें गुड़गांव किया है, रेवाड़ी किया है और महेंद्रगढ़ का भी, दादरी और भिवानी में भी। हम चाहते हैं कि जो ग्रीनरी जो है, जो हमारी सामाजिक श्यामलाप की जो जमीन है, वो जमीन गांव की एनक्रोचमेंट ना हो। ये हरियाली, ये पेड़, ये पूरा इस अरावली की श्रृंखला में हो। गुरुग्राम ग्लोबल सिटी बनाने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ग्रीन वॉल कार्यक्रम के जरिए अरावली में अब 26,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पौधे लगाए जाएंगे। 26,000 एकड़ जमीन जो है हमने यहाँ पेड़ लगाने का जो है निर्णय किया है, और पूरे प्रदेश में भी हमने काफी अच्छा उसमें निर्णय लिया है कि पंचायतों से भी हमने डिमांड की है, और अब की बार 200 ऐसी जो है हम बनियां बनाने का भी निर्णय लिया है, और हर जिले में एक जो ऑक्सीवन है उसको बनाने का भी निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से काफी प्रयास है, और जो हमारे शिव धाम है उनमें भी हमने पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। तो हमारा पूरा प्रयास है इसकी तरफ कि दोबारा से जो एक किसी ना किसी कारण गलती की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा उसको हम दोबारा से उसको ठीक करना चाहिए। अरावली में घटते प्राकृतिक संसाधन बड़ी आपदा की वजह बने, इससे पहले ही सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। साथ ही लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सूर्य समाचार के लिए नीरज अंबावता, गुरुग्राम से।